दोस्तों यूपी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा कब तक उनके खाते में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि कुछ ऐसे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं कि उनका पेंशन का पैसा अभी 23 अक्टूबर को जो है पेंशन का पैसा उनके बैंक में जो है रिसीव्ड हो चुका था और उनके मेन अकाउंट में जो है 24 अक्टूबर को उनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका था। लेकिन अभी तक 50% ऐसे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं कि उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है और जो है PFMS पोर्टल पर जो है बेनिफिशियरी भी नहीं बन रही है। तो कब तक जो है फाइनली आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होने वाला है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूपी के जितने भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और उनका पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया, जैसा कि PFMS पोर्टल पर भी जो है बेनिफिशियरी नहीं बनाई गई है, उनके पेंशन में जो है कुछ ना कुछ दिक्कत कहते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है लगभग सभी जिलों में जो है न्यूज निकाला गया था कि आप जो है अपना आधार कार्ड अपने पेंशन पोर्टल पर जो है जा करके अपना वेरीफाइड करवा लें, सत्यापन करवा लें, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं मिल पाएगा। और जिन पेंशन लाभार्थियों का बैंक में जो है उनका आधार कार्ड DBT NPCI एक्टिव नहीं है, वो भी जो है अपना आधार सत्यापन करवा लें, अपना आधार कार्ड DBT NPCI एक्टिव करा लें अपने बैंक में जा करके, नहीं तो उनका पेंशन का पैसा रुक सकता है। तो अब दोस्तों अगर आपके पेंशन में जो है सब कुछ सही है, जैसा कि आपका आधार सत्यापन हो चुका है और आपका DBT NPCI भी एक्टिव है और फिर भी जो है अभी तक बेनिफिशियरी आपका PFMS पोर्टल पर नहीं बनाया गया है, तो आपका बेनिफिशियरी लगभग दीपावली के पहले ही आपका PFMS पोर्टल पर जो है बेनिफिशियरी बनना स्टार्ट हो जाएगा और पेंशन का पैसा आपका दीपावली बाद जो है आपके मेन अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्योंकि जो है दीपावली के पहले ही सभी का पेंशन का पैसा सभी के खाते में आना था, लेकिन क्या है कि अभी 4 दिन की छुट्टी हो रही है, जैसे कि दीपावली के पहले जो है 4 दिन की लगभग छुट्टी पड़ रही है, इसलिए जो है पेंशन का पैसा सभी के खाते में जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा समय से, क्योंकि जो है बहुत ही लेट हो चुका है। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में इसलिए नहीं ट्रांसफ़र हो है कि उनका जो है आधार वेरीफाइड नहीं था, उनका DBT NPCI एक्टिव नहीं था। 50% लोग ऐसे हैं कि उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है और 50% ऐसे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं कि उनका पेंशन का पैसा जो है अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाया है। तो अब आपको दीपावली के बाद जैसा कि नवंबर के 1st वीक में आपका पेंशन का पैसा फाइनली आपके खाते में जो है अब ट्रांसफर होने वाला है, जैसा कि आपको अपने पेंशन के साथ जो है सब कुछ एक्टिव करवा लेना है। अगर आपका आधार सत्यापन पेंशन पोर्टल पर नहीं हो रहा है तो आपको अपने समाज कल्याण ऑफिस में चले जाना है, वहां पर जो है अपना आधार सत्यापन करवा लेना है। जैसे कि कुछ ऐसे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं कि उनका जो है पेंशन पोर्टल पर जो है आधार कार्ड जो है सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उनको जो है सेवरली अपने समाज कल्याण ऑफिस में जा करके जो है अपना आधार कार्ड सत्यापन करवा लेना है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल होगा तो हमारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।